ओके सो अभी मैंने प्रॉपर इंटरव्यू वाला वीडियो बना रखा है कि लाइक हाउ इट वाज और क्या क्वेश्चंस थे, कैसे पैनल मेंबर्स थे, व्हाट वर दे ट्राइंग, उनका अप्रोच क्या था, एंड यू नो लाइक ऑल दोस थिंग्स एंट्री से लेके एग्जिट तक के इंटरव्यू रूम में. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइक जब भी आप सेंटर पर पहुँचते हो या फिर उसके पहले भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और सेंटर से जब आप निकलते हो इंटरव्यू दे के. तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में ऐसा नो 10-12 मिनट जो भी लग जाए कम से कम कोशिश करूंगा कि लाइक शार्प हो आपके लिए, बेस्ट चीजें आपको पता चल सके. ताकि क्योंकि वहां पे ना बहुत कंफ्यूजन होता, मुझे बहुत कंफ्यूजन था, मैं लगातार यूट्यूब पे सर्च करते रहते ताकि लाइक कोई ऐसा मतलब यू नो लाइक जस्ट टॉक टू मी, ऐसा वो समझाओ मुझे कि लाइक क्या है कैसा है, ताकि मैं थोड़ा सा ऐसा काम हो सकूँ यू नो लाइक मेंटली ये थोड़ा एक स्टेबल हो सकूँ मैं. तो आई एम गोना हेल्प यू आउट, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक यू नो लाइक ऑल दोस लाइक रेगुलर थिंग्स लाइक शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड एवरीथिंग. और मैं ये सारे वीडियोज लाइक इंटरव्यू के नाम के प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें जाके देख लेना, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें रहेंगी. सो माई इंटरव्यू वॉज ऑन 28th of Feb 2023 इन लखनऊ एट ग्रैंड GBR होटल. तो ऐसा था कि हम 19 को ही यहाँ से चले गए, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, तो हम यहाँ से ऑलरेडी 19 को ही चले गए और फिर मस्त आराम से यू नो लाइक 10-11-12 बजे तक पहुँच चुके थे, और फिर अच्छे से रेस्ट किया, रात में टाइम पे सो गए, और फिर सुबह 5 बजे क्योंकि मेरी रूटीन है तो लाइक मैं 5 बजे तक ही उठ गया था. और फिर यू नो लाइक पढ़ना वढ़ना नहीं है भाई बिल्कुल भी, जस्ट वोंट ट्राई टू स्टडी बिकॉज जो ज्ञान जांचना था उन्होंने ना वो प्री और मेंस में जांच लिया. लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी बेसिक बैंकिंग पता होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, अब वो 15-20 मिनट 1 घंटे में नहीं पढ़ सकते है ना. सो डोंट इवन ट्राई दैट, पहले से पढ़ लेना, सुबह उठो फ्रेश रहो आप, एंड यू नो लाइक जस्ट बी इन द जोन, लाइक डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, डोंट मेक अ मेस ऑफ इट, बी लाइक अ क्लीन स्लेट, जो था उसको बस उधर में एकदम ही इन्होंने कंट्रोल में रखो, डोंट उसको हैम्पर मत करो अभी उसको, बट जस्ट लेट इट बी, आराम से उठो अपना रूटीन फॉलो करो है ना, बढ़िया मस्त फ्रेश रहो. यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू बी, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ डल है, मतलब नहीं प्रॉपर नहीं हुई है मेरी, तो यू नो लाइक यू कैन सी लाइक फ्रेश नजर नहीं आ रहा हूँ मैं, शार्प नजर नहीं आ रहा हूँ. सो यू हैव टू टेक द गुड नाइट स्लीप, प्रॉपर गुड नाइट स्लीप, ताकि अच्छे से अगले दिन फ्रेश एजाइल दिखो है ना. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग जब आप रूम में घुसते हो तो आप बोलते नहीं हो, आप कोई सवाल जवाब नहीं करते, आपसे बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और आप यहाँ से लेके आप तो तक के जो आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज शार्पनेस यू नो लाइक एवरीथिंग, दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन एंड दैट्स द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, वो आखिरी तक के रहेगा. अगर पहले इंप्रेशन में लगा कि आपके अंदर दम है तो आपको पुश करेंगे, अगर पहले इंप्रेशन में लगा कि ये तो ऐसे ही ऑलरेडी यू नो लाइक इज लाइक इतना सोचता है तो इससे क्या ही पूछें, तो दे वोंट. सो अच्छे से रेस्ट करना है, सेंटर भी एक दिन पहले जाके देख लेना, सेंटर के पास में ही होटल लेना, कई रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हो तो क्लियर कर लेना कितना टाइम लगेगा. और सेंटर पे 8:30 बजे हमारी टाइमिंग थी, मैं 8:10 तक के पहुंच चुका था उधर, मैंने लाइक लोगों को देखा और बहुत सारे लोग मिले भी मुझे जो मिलते रहते हैं अक्सर एग्जामिनेशन सेंटर पे. सो उसके बाद इधर उधर घूम रहे थे कि लाइक क्या है कैसा है, खुद को काम करने के लिए, और फिर गेट पे ही थे तभी उन्होंने बोले कि 8:15:20 पे कि अभी सिर्फ जो बच्चे इंटरव्यू देने को आए हैं सिर्फ वो अंदर एंट्री करेंगे, बाकी कोई एंट्री नहीं करेगा, पेरेंट्स बाहर. तो अभी मैं लाइक स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ, एक मैप बना देता हूँ कि लाइक ये है सपोज ग्रैंड JBR का पूरा होटल, और इधर में लाइक उधर में समझ लो बाकी पेरेंट्स वेरेंट्स रुकेंगे. तो ये था गेट, हमने गेट से एंट्री की और मैं और मेरा फ्रेंड था, तो वी वर लाइक कि भाई अगर देना है तो पहले ही कर चलते हैं, अभी वो बाद बाद में बैठेंगे तो एंग्जाइटी पड़ेगी. सो आई वॉज लाइक मैं तो पहले ही दूंगा, मुझे बाद में नहीं देना है कुछ भी, लाइक इफ आई विल बी द फर्स्ट गाई टू बी इंटरव्यूड आई एम ओके विद दैट. तो हम फटाक से अंदर घुसे इधर लॉबी से होते हुए, फिर इधर ये पूरा बड़ा सा ना हॉल था, बैंकेट हॉल था मोस्ट प्रोबली. फिर हम अंदर आए और अंदर इधर में बायोमेट्रिक्स का एक पैनल था, उसके बाद पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 10 पैनल थे. सबके सामने छोटे 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 ऐसे 20-20 चेयर लगे हुए थे, 20-25 25-25 चेयर लगे हुए थे आई थिंक. और उन्होंने बोले कि आप सभी जाओ अपने पैनल के सामने जो चेयर्स लगी हुई वहां पर बैठ जाओ. एंड आई वेंट वहाँ पे, पहले तो मैं गया, पहले
पहले पीछे बैठा, एक दो फोटोज खिंचवा ली मैंने फटाफट, क्योंकि आगे खिंचवाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, तो एक दो फोटोज खिंचवा ली मैंने थंबनेल में यूज करने के लिए, है क्या, ताकि आपको समझे कि लाइक आई वाज देयर। उसके बाद फिर पहली रो पूरी खाली थी, तो मैं उठा पहली रो के पहली सीट पे जाके बैठ गया। उसके बाद फिर उन्होंने हमें दिया एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें हमें लिखना था कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ नोडल एजेंसी, जो बैंक जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, मैं आयुष कृष्ण CRBPO MT 12 का एग्जाम दे रहा हूँ, और मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाई हैं। फिर बाद में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सिग्नेचर, कौन सी डेट को इंटरव्यू है, किस जगह पे है, ये सारी चीज़ों को करने के बाद साइन करके उसको अपने पास रख लेना था। और उसके बाद फिर वो कुछ देर बाद ही पैनल पे उन्होंने बोले कि आप जिसने जिसने अपना हैंड डिक्लेरेशन कर दिया है, और वो हैंड डिक्लेरेशन और असहा, उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे है वो अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर दे इंटरव्यू वाला। तो हमने वहाँ पे एडमिट कार्ड रख दिए, उसके बाद हम वहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन वो फिलअप कर रहे थे, मेरे आसपास भी एक दो लोग आ गए थे, तो उनसे हम बात बातें कर रहे थे, फिलअप विलअप कर रहे थे। फिर उधर से इधर से एक सर आए, और हर पैनल के लिए एक अलग अलग मेंबर थे, उन्होंने आए हमारे पैनल पे, उन्होंने हमारा बंडल उठाया एडमिट कार्ड का और जाके बायोमेट्रिक्स वालों को दे दिया। उसके बाद फिर वो बारी बारी से माइक पे से आवाज लगाती कि आयुष कृष्ण, सोनाक्षी सिन्हा, यू नो लाइक आई एम जस्ट सेइंग, ऐसे वो पर्टिकुलर नाम लेते थे, राजपाल यादव, ऐसा ऐसा। तो फिर जिनका नाम बुलाते थे, आपको यहाँ से अपने पैनल से उठना है, आपको यहाँ जाना है, उसके बाद वो पहले आपकी फोटो खींचते थे, फिर राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लेते थे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन पूछते थे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, प्लेस कहाँ है, फादर का नाम क्या है, उसके बाद फिर अगले वाले पे जाना है, फिर से वो आपको फोटो खींचेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे, प्री मेंस से वो वेरीफाई कराएंगे कि लाइक सेम थंब इम्प्रेशन है, बायोमेट्रिक सेम तो है। उसके बाद फिर वो आपसे फिर एक दो सवाल पूछेंगे, और उसके बाद दिल भी लाइक कि ठीक है अभी आप जा सकते हो, सो आप मतलब जिधर से भी आना है। फिर मैं वापस से आया अपनी सीट पर बैठ गए, हैंड डिक्लेरेशन हो गया था। फिर सर ने इधर में, सर थे एक मैम थी, और हर पैनल पे ऐसा ही था कि एक सर एक मैम, एक सर एक मैम, एक सर एक मैम, पैनल पे लाइक जो वेरिफिकेशन के लिए थे, एक सर थे एक मैम थी। तो फिर मैम ने बोले कि आपका हो गया तो आप आके, क्योंकि मैं पहला ही था, नहीं तीसरा था, उसके पहले दो और लड़कियों ने करा लिया था, उनका हो गया था वेरिफिकेशन। तो उन्होंने मैम ने बोले कि आपका हो गया तो आप आओ। तो फिर मैं अपना हैंड डिक्लेरेशन लेके गया और साथ में अपनी पूरी फाइल लेके गया, वो आपको बोलेंगे अरेंज करने को, बट मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल सीक्वेंस, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा था बट चेक सबने एक ही तरीके से किया। 10th की लाइक सबसे पहले तो आपका फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म के बाद फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर या फिर फोर्थ ईयर थर्ड ईयर तक की जो आपकी जो डिग्री है वो रिजल्ट्स, उसका पीजी है तो उसकी पहले डिग्री, फिर उसके रिजल्ट्स, और फिर लास्ट में आधार कार्ड और OBC PWD या फिर EWS जो भी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के लिए एक चीज ध्यान रखनी थी कि जो भी सर्टिफिकेट था वो जो नोटिफिकेशन डेट थी फॉर्म फिलिंग की उससे 1 साल के अंदर का होना चाहिए था, वरना फिर आपको NOC वगैरह कराना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम थी, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, लाइक ऐसा नहीं था कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया डॉक्यूमेंट तो वो आपके आप छाती पे बैठ जाएंगे, लाइक अभी तुम अब भी जाओ भी नहीं होता तुम्हारा इंटरव्यू, ऐसा नहीं था, दे लाइक वेरी कोऑपरेटिव, आपको टाइम दे देते। आपका 8:30 बजे का स्लॉट था, 1:30 बजे भी इंटरव्यू लिया, मेरे खुद के फ्रेंड का लाइक उसका कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसका इंटरव्यू 1:30 बजे हुआ। सो वो प्रिंट आउट फोटो स्टेट सब वहां पे कर देंगे, सो दे आर रियली कोऑपरेटिव, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अरेंज आपको वैसे ही करना है, और फाइल में आप सारी चीजें अच्छे से अरेंज करना ताकि वो फटाफट 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 क्रॉस चेक कर सके कि कब कब क्या है। फिर मैं फाइल लेकर उठा, उनके पास गया, फिर उन्होंने प्री का जो एडमिट कार्ड था, मेंस का जो एडमिट कार्ड था, और एक वहां का एडमिट कार्ड था, सब पे थंब इम्प्रेशन लेफ्ट और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर, वापस एडमिट कार्ड लिया, एडमिट कार्ड पे क्रॉस सिग्नेचर करना था और नीचे सिग्नेचर करना, तो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने एक एक के बाद सब कुछ यू नो लाइक चेक किया। मैम वॉज रियली स्वीट, उन्होंने पूछे कि ओके तो आपने पहला प्रेफरेंस क्या फिलअप किया आयुष, तो मैंने बोला मैम बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय थे, तो फिर ऐसा वो मुझे देखती है कि अच्छा हमें तो आप जैसे एम्प्लॉयज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं तो यही विश करूंगी कि आप एकदम ही जल्दी से जल्दी बैंक ज्वाइन करो हमारे साथ, हमें बहुत ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वॉज रियली स्वीट, तो ऐसा ऐसा करके पूरा उधर में वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर हम जाके, क्योंकि जो लाइक वो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने रख लिए, बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके जाके अपने सीट पे लाइक यहाँ पे हो गया, फिर जाके सीट पे बैठ जाओ। फिर जब ये 5 लोगों का 6 लोगों का हो गया, तो सर ने इधर से इशारा किया, फिर उधर से एक एक सर आए,
भाई जो हमारा एडमिट कार्ड लेके गए थे वो आए और उन्होंने 5 लोगों का डॉक्यूमेंट उठाया और बोले कि नाम लेके कि लाइक ये अब ये हमारे साथ ऊपर आओ। तो हम ये पहले ये था ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जब हम गए, लिफ्ट से गए, वो हमें लेके गए। उसके पहले वॉशरूम वॉशरूम हो लिया मैंने बोला कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, तो बोले कि आप जाओ वॉशरूम फटाक से हो लिया, और क्योंकि अभी उधर में अभी कौन रिस्क लेगा बाबा। सो ऊपर पहुंचे हम, थर्ड फ्लोर का मैप में फटाक से ऐसा बना देता हूँ। सो इट वॉज लाइक दैट, इधर से हम एंट्री किए और फिर ये था कॉरिडोर ऐसा, और यहाँ पे था पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, पैनल 5, पैनल 6, पैनल 7, पैनल 8 ऐसा। और हर पैनल लाइक वो बेसिकली होटल रूम्स थे, और उन रूम्स के दोनों साइड में पांच पांच चेयर रखी हुई थी। सो जिसकी नंबर आते थे उनको एक लाइन से जाके बिठा दिया गया था, एक बच्चा अंदर जाएगा दूसरा इधर आके बैठ जाएगा, एक बच्चा अंदर जाएगा दूसरा इधर आके बैठ जाएगा। सो इट वॉज लाइक दैट। उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ पे एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि सबने आपने वीडियोज़ वगैरह जगह देखा होगा कि अगर आप बहुत हैंड मूवमेंट करते हो, बहुत नर्वस रहते हो, ऐसा ऐसा टैपिंग करने लगोगे ऐसे पैर पे, तो आप फाइल लेके जाना, फाइल ऐसे रख लेना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट थिंग इज दैट कि आप फाइल अंदर लेके नहीं जा सकते, कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इस तरीके की बैंड वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं होते। एनालॉग वॉचेस पहन के जा सकते हो, जो कि मैं पहन के गया था। मैं एनालॉग वॉच पहन के गया था बिकॉज लाइक ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्रोफेशनल इनफ, तो मैं एनालॉग वॉच पहन के गया था। बट अगर आप लाइक ऐसा राउंड डल वाली अगर स्मार्ट वॉच पहनोगे तो वो भी अलाउड नहीं है। प्रॉपर एनालॉग लाइक वो मस्त टाइम एक्स, टाइटन, फॉसिल ऐसा कुछ पहन के जाना है। लाइक ब्रांड कोई भी हो बट यू गॉट द नोशन की लाइक वो टिपिकल जो एनालॉग वॉच होती है वो पहन के जाना है आपको। बाकी सारी चीज़ें बाहर होनी चाहिए, फोन साइलेंट मोड, DND स्विच ऑफ जो कर सकते हो कर देना, कोई उधर में डिस्ट्रैक्शन ना हो, वरना लाइक इट्स गोना क्रिएट अ रियली बैड इंप्रेशन। एक बच्चे का फोन बजने लगा तो मैम गुस्सा हो गई, गॉड नोज उसके इंटरव्यू का क्या हुआ होगा। सो अब ऐसा था कि हम यहाँ पे बैठ चुके थे, मैं तीसरा था, और तो ऐसा था कि उन्होंने ऐसा ट्रिंग ऐसा बेल बजाई, फिर लड़की उठी डोर के पास, दरवाज़ा खोला, अंदर गई, उसका इंटरव्यू चला, और फिर वो जब वो बाहर निकलेगी तो जो नेक्स्ट है कैंडिडेट है उसको जाके ऐसे खड़े हो जाना है कि लाइक अभी मेरी बारी है, सो आई हैव टू बी रेडी। और फिर द मोमेंट वैसे टिंग ऐसा बजर करेंगे फिर आप गेट खोल के अंदर जाओ, और फिर बाकी पूरा इंटरव्यू, तो उसका वीडियो मैंने सेपरेट बना के रखा है, आप वो देख सकते हो कि लाइक हाउ एंड वॉट हैपन्स देयर। तो फिर मेरा ऐसा था कि लाइक मैं मेरा तीसरा था एंड टू, वो इतना इमेंस पैनिक मोमेंट था मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता, ऐसा सोच के सब पूरा धक 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 हो गया। एंड बहुत लोग थे यार, जब भी मैं बैठ के वेट कर रहा था एक लड़की रोते हुए चली गई वहां से, मुझे समझ नहीं आया चल क्या रहा है। सो इट वॉज लाइक रियली इंटेंस, लाइक वो बहुत इंटेंस सिचुएशन होती है उधर में। सो मैं तो लाइक मैंने कुछ परवाह नहीं की, जब ये लड़की बाहर आई और जब मुझे पता था कि अब लाइक विद इन लाइक यू नो लाइक 10-20 सेकेंड में, 25 सेकेंड में मुझे बुला सकते हैं, मैं लेट मी लाइक लाइक लेट मी मैं ना टूट ऐसा खड़ा हुआ हूँ ऐसा लाइक। मैंने ब्लेजर पहना था, सूट पहना था, बट मैंने बटन्स खोल रखी थी बिकॉज लाइक वो अनकंफर्टेबल हो जाता, एंड आई वॉज लाइक नहीं 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 लाइक डूड उधर मुझे चाहिए था वो पुश। आई वॉज लाइक ऐसा यू नो लाइक 8-10 बार हो गया ना, फिर आई वॉज लाइक फिर मैंने थोड़ा सा लूज किया खुद को, लाइक आई एकदम मैंने खुद को फ्री किया कि लाइक एकदम ही उधर में लाइक थे बहुत सारे लोग थे दूर, बट आई वॉज लाइक बकचोदी बाहर होनी चाहिए अंदर नहीं। सो लाइक आई जस्ट फ्रीड माई सेल्फ, और आपको जो लगेगा ना आप करना, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी होगी, भरना जो करना होगा, थप्पड़ मारना होगा, ये करना होगा, वट एवर यू फील लाइक, बट स्ट्रेस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहिए, नर्वसनेस दरवाजे के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो मैं खुद को काम नहीं करना चाहता था, आई जस्ट वॉन्टेड टू बोस्ट माई सेल्फ, दैट्स वाई आई वॉज लाइक लेट्स फकिंग डू इट लाइक यू नो लाइक आई वॉज लाइक पूरा एकदम ही ऐसा ऐसा करके, इट वॉज लाइक दैट। सॉरी मैं बता दे दो लाइक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं बाहर निकला इंटरव्यू दे के, तो फिर मैं बाहर खड़ा था, फिर एक लड़का निकलता है वो बोलता है भाई तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया मुझे नहीं पता बट तुम बाहर बहुत नर्वस थे। मैंने बोला नहीं अच्छा था, ठीक था, खराब तो नहीं था, ठीक था। इट वॉज लाइक दैट, क्योंकि अंदर जाके रोने से अच्छा है बाहर छाती पीट लो, अंदर नर्वसनेस नहीं जानी चाहिए। सो आप अंदर जाओगे इंटरव्यू होगा, बाहर निकलोगे फिर अपनी फाइल उठाओगे, उसके बाद फिर वो बोल देंगे कि आप नीचे जाके जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी वहाँ पे जाओ और उनसे मिल लो, बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो मैं नीचे गया, फिर मैम के पास गया क्योंकि उन्होंने मेरा वेरिफिकेशन किया था। तो मैम ने पूछा, हो गया आपका इंटरव्यू? मैंने बोला यस मैम। आई थिंक 10-10 मिनट का हुआ था, तो 40-45 मिनट हो चुके थे वेरिफिकेशन कराने के बाद। तो उन्होंने कैसा हुआ? मैंने बोला मैम मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है, ठीक था। तो बोले फिर तो पक्का ही अच्छा हुआ होगा, अब आप जाओ जम के पार्टी करो और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलेंगे, बट याद रखना है कि मैं आपकी सीनियर हूँ। मैंने बोला एकदम मैम आप सीनियर ही हो उसमें कोई डाउट नहीं है। सो शी वॉज रियली स्वीट, लाइक शी वॉज रियली स्वीट। तो उसके बाद फिर उनको मैंने बता दिया। अभी ऐसा था कि लाइक इसी रूम में, लाइक जिसमें वेरिफिकेशन चल रहा था, साइड में कॉफ़ी कुकीज़ एंड ऑल रखी हुई थी जिनका लेट था या फिर जिनका हो चुका था। सो आप जाओ मस्त कॉफ़ी वॉफी पियो, कुकीज़ वुकीज़ खाओ, बिस्किट विस्किट, उसके बाद फिर यू आर फ्री टू गो। अभी वो मतलब एक्चुअली जब आप जाओगे उनके पास ना, तो आप बता देंगे कि लाइक क्या प्रॉब्लम है, कुछ कुछ फंसा है, कोई प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि जब भी मैं बाहर वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू 1:30 बजे हुआ, तो एक एक था कोई डूड, वो लोग इंटरव्यू दे के खाना वाना खा के निकल चुके थे लखनऊ से बाहर। फिर उनको अचानक से फ़ोन आया कि आप आ जाओ क्योंकि कुछ अटक गया प्रॉब्लम। इसे वो लड़की मोस्ट प्रॉब्ली मिलने नहीं गई होगी, और लड़की थी कोई। सो इसीलिए वो बोलते कि आप जाके वहाँ पे पूछ लो कि मैम कुछ है अभी प्रॉब्लम्स, तो अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बाद में फिर यू ना आप कहाँ पर रहोगे, ट्रेन है क्या है, कुछ किसी को नहीं पता। सो मस्त वो तो मिलने का, और उसके बाद फिर आप बाहर निकलो, यू आर फ्री टू गो। कुछ चीज़ें बस ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ एक और चीज़ कि जब आपको वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे ना, तो फॉर्म, आधार कार्ड, तो हर जो भी पेपर आपने फोटो स्टेट कराया सब पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, मैं फोटो इंक्लूड कर दूंगा कहीं पे। पहले लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, प्रॉपर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, फिर नीचे आपका सिग्नेचर और उसके नीचे डेट की लाइक 22-23, ऐसा ऐसा प्रॉपर वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। और हर एक पेज पे कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले कर चुका था, देख लिया था मैंने वहाँ पे। मैक्सिमम लोग ना लाइक पैनिकिंग, अरे यार मेरा तो अभी इतना बचा हुआ है, ये बचा हुआ, तो ये सारे स्ट्रेस से बचना है वहाँ पे चिल रहना है। वहाँ पे यू हैव टू बी लाइक यू नो लाइक फ्री एकदम चिल करो, बातें बातें करो, यू नो ऐसा पूरा। सो ये था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंट रहो, शार्प दिखो। और ड्रेस कोड की बात करूँ तो लड़के लोग के लिए ऐसा था कि मैक्सिमम लोगों ने सूट पहन के रखा था, सूट ब्लेजर, वो स्मार्ट भी लगता है ना। बट अगर आपके पास ब्लेजर नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होना, लाइक अच्छी पैंट, अच्छा शर्ट, फॉर्मल, स्ट्रिक्टली फॉर्मल, को प्रिंटेड डॉटेड, कुछ फ्लोरल प्रिंट मत पहन लेना भाई, है ना। टाई वाई अच्छे से लगा के, अच्छे से पॉलिश करके, शूज चमका के, गो देयर। बाल में जेल लगा लेना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हीरो बनना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये आपके बाल पे जेल लगा होता है ना, तो ये लुक शार्प ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमेशा हल्के से गीले गीले से दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम ही फ्रेश हो आप, यू नो लाइक वो और बड़ा फ्रेश फ्रेश सा क्रिएट होता है। बाकी ऐसे बाल थोड़े से रूखे हो जाते हैं जैसे अभी है। सो फ्रेश दिखो ना, एक दिन की बात है यार, लाइक थोड़ा सा एफर्ट तो मारो या क्या, लाइक डू दैट। जेल में लगा के बाल अच्छे से सेट करके, ब्लेजर है तो पहनो, नहीं है तो अच्छा ट्राउजर शर्ट टक इन, बेल्ट अच्छे से, टाई वाई लगा के, पॉलिश वॉलिश करके, जेल लगा के, वॉच होगी तो अच्छी एनालॉग वॉच पहन लेना ऐसा। और लड़कियों की बात करूँ तो टूट, मैंने देखा 80% लड़कियाँ वहाँ पे सूट पहन के रखा था उन्होंने, और दुपट्टा वुपट्टा ऐसा अपने हिसाब से जो भी होता है ऐसा साइड में ऐसा करके। बालों के लिए मैंने देखा कि सबने लाइक सबने मन मन बिल्कुल मत बनाना डूडू, बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। और छोटे बाल हैं आपके तो फिर अच्छे से सेट कर लो उसको, चेहरे पे ना आने पाए क्योंकि वो बहुत गंदा इंप्रेशन डाल रहा था, एक दो लोगों को देखा था मैंने। बट अगर आपके बड़े बाल है ना, तो सुदेवल लाइक वो जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा मतलब ऐसा पीछे करके इधर पे कुछ लगा के, फिर वो बाल ऐसा पूरा स्ट्रेट, मतलब वो ऐसा ऐसा पोनी जैसा, अभी अभी आपको समझ सकता है, अगर लड़की नहीं हो तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो वैसा रखना है सूट एकदम ही, लाइक यू नो लाइक इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। प्रिंटेड विंटेड मत पहनना, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरीके के लोग आए थे, एंड मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है अगर यू नो वहाँ पे सब फॉर्मल है, आप प्रिंटेड सूट शर्ट पहन के चले गए तो, है ना, तो अच्छा नहीं लगता। एंड कोशिश करना, अगर इफ़ यू आर कम्फर्टेबल, वियर वो जिसमें आप कंफर्टेबल और खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हो। ये नहीं कि ट्राउजर अच्छा लगेगा कैरी नहीं कर सकते पहन लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। वो पहनो जो आप कैरी कर सकते हो। बट मैंने देखा कि 15-20% लड़कियों ने वो प्रॉपर फुल ऑन ट्राउजर एंड ऑल पहन के रखे थे
बट मैं फिर भी बोलूंगा, इफ योर हाइट इज लाइक 5'4" 5'5" है ना, एंड यू डोंट हैव दैट बल्की फिजिक, ऐसा मतलब ओवरवेट नहीं हो आप, क्योंकि ऐसा फैट शेमिंग नहीं करो, बट अच्छा नहीं लगता, सो नहीं लगता. सो इफ यू नॉट लाइक यू नो लाइक ओवरवेट और एनीथिंग, वेयर ट्राउजर शू सूट और ऐसा यू नो शर्ट. क्या शार्प लुक आता है डूड, लाइक 50 नंबर उनके फिक्स. जिन कुछ लड़कियों को देखा मैंने, उनके 50 नंबर फिक्स, पैनल मेंबर्स देख के फर्स्ट इंप्रेशन था लाइक ओके ये बैंकर बनेगी, ऐसा वाला. सो यू नो लाइक वो बहुत शार्प लुक आता है. बट एज आई सेड, आप वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे, कंफर्टेबल दिखे नहीं, बट आप कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हो. देखो लाइक ऐसा पूरा दिखना चाहिए कि राजू बन गया जेंटलमैन. अभी राजू नहीं है, वो जेंटलमैन है. ऐसा वो राजू से जेंटलमैन वाला जो फासला है वो आपको कवर करना है, ऐसे दिखना है. एंड आई होप कि मैंने हर चीज़ कवर कर दी है. इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई भी एस्पेक्ट बचा है जो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने होएगा. वो बहुत चिल्ड रहते हैं, अगर कुछ हल्का फुल्का हो भी गया ना तो वो बहुत कोऑपरेटिव होंगे, आपकी हेल्प करेंगे. ऐसा ऐसा नहीं कि आपको आधे रास्ते छोड़ के कि अभी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, ऐसा नहीं होएगा. दे विल बी रियली हेल्पफुल, कोऑपरेटिव. सो बट सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके टाइम से पहले पहुँचो, अच्छी सी नींद लो, सेंटर पर पहुँचो, सब एकदम सीमलेस होएगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. एंड यू नो आई होप के मस्त हम फ्यूचर फेलो बैंकर्स बने. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट. और कुछ होता है अभी मुझे भी चैनल ग्रो करना है, सो यू हैव टू हेल्प मी, है ना. ओके, आई डोंट डू दिस बट आई प्रॉब अभी आई एम डूइंग इट. सो अभी करना है, आपको भी करना है क्या? And okay, so I'm gonna go and I'll see you in the next one.